अपनी लुक के बारे में कुछ बताइए, तैयारियाँ की और कितना टाइम लगा तैयार होने में? टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स जिससे यू नो एक लड़की को तोला जाता है, बट आई थिंक 1.5 आवर वॉज वेरी गुड. सो ड्रेस चुनने में काफ़ी टाइम लगी थी. आई हैव बीन ट्राइंग टू यू नो सिलेक्ट दिस लवली आउटफिट फॉर द पास्ट मोर देन अ मंथ नाउ, एंड द जर्नी हैज लाइक I have been hunting for a nice gown, but I am happy that I have chosen this because apparently I am looking nice and everyone is giving me the compliments, so I'm happy about it. Yes. Social media की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने views को बोलने में कभी हिचकती नहीं हैं? बिल्कुल नहीं. आप लोग follow करते हो क्या कभी कभी मेरी views को? अच्छा, मैं बहुत ही strong opinionated इंसान हूँ, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे. आई सी एवरी यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन, सो बट इफ़ यू बिलीव इन समथिंग जो आपको लगे सही है, आप गलत भी हो सकते हो, बट इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कीप योर यू नो ओपिनियन एंड व्यूज अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो यस, रिसेंटली आपने बिग बॉस में कई सारे कॉमेंट्स. ओह माय गॉड. जी जी. फिर तो कौन सा आपको लगता है कि कौन सा खिलाड़ी बहुत ज़्यादा फेक है, बहुत ज़्यादा वायलेंट? के लिए मुझे आजकल बहुत पूछा जाता है बिकॉज आई बीन ट्वीटिंग अ लॉट अबाउट बिग बॉस. कौन मुझे फेक, तो आई थिंक व्हाटएवर, मतलब जो मेरे नापसंदीदा कंटेस्टेंट्स है वो काफ़ी क्लियर है मेरे ट्वीट से, बट आई रियली लाइक सुशांत एंड दीपिका कक्कर इन द शो, एंड इफ आई नीड टू सी आई यूज्ड टू ऑल्सो लाइक मेघा एंड जसलीन अ लॉट. आई थिंक जसलीन इज़ रियली क्यूट एंड रियली नाइस एज अ पर्सन, और मेघा जी तो वॉज अ टोटल शेरनी एंड आई स्टिल एन्जॉय यू नो वॉचिंग देम. एंड टुडे इफ आई वॉन्ट समबडी टू बी फाइनलिस्ट इट हैज़ to be between Srishant and Deepika. It has to be, you know, if I want anyone to be the winner, it has to be between Srishant and Deepika. KV also comes a little closer, but in the past few weeks I have not been really enjoying his journey but I think he's a fantastic guy. But if I see a winner quality, I think it's Deepika and Srishant. Thank you so much. Thank you. Okay, hi. आपकी लुक के बारे में कुछ बताइए, क्या तैयारियाँ की और कितना टाइम लगा तैयार होने में? टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा, अकॉर्डिंग टू द सो कॉल्ड स्टैंडर्ड्स जिससे यू नो एक लड़की को तोला जाता है, बट आई थिंक 1.5 आवर वॉज वेरी गुड. सो ड्रेस चुनने में काफ़ी टाइम लगी थी. आई हैव बीन ट्राइंग टू यू नो सिलेक्ट दिस लवली आउटफिट फॉर द पास्ट मोर देन अ मंथ नाउ, एंड द जर्नी हैज लाइक I have been hunting for a nice gown, but I am happy that I have chosen this because apparently I am looking nice and everyone is giving me the compliments, so I'm happy about it. Yes. Social media की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने views को बोलने में कभी हिचकती नहीं हैं? बिल्कुल नहीं. आप लोग follow करते हो क्या कभी कभी मेरी views को? अच्छा, मैं बहुत ही strong opinionated इंसान हूँ, चाहे कोई मुझे पसंद करे या ना करे. आई सी एवरी यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन,